जैन के नेट्स कैसे बढ़िया भाई मेरे। आज एक अपडेट आया इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो कुछ कैंडिडेट उससे खुशी हैं, कुछ दुखी हैं। अब जो खुशी हैं, मैं देखो यार बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा, बिल्कुल क्लियर क्लियर फैक्ट पे बात करूँगा, ठीक है। ये हवाबाजी कुछ नहीं होगी अपनी, ठीक है। तो डेफिनेटली एज यू ऑल अपनो, इंडियन एयरफोर्स का फेस सेकेंड एग्ज़ाम होता है, उसमें चार चीज़ें मान लो होती थी। एक सारे DFT भी हुआ था, डायनामिक फैक्टर टेस्ट, वो 2021 इंटेक में एक इंटेक में हुआ, तो हमें लगा हम दो तीन इंटेक तक उसके बारे में बात ही करते रहे कि होगा होगा होगा, ठीक है। और फिर वो इंटेक में नहीं हुआ, मतलब एक ही बार हुआ था, तो उसकी बात हटाओ। दूसरा फिजिकल होता है, तीसरा SRT होता है, और GD होता है। एयरफोर्स इसे 81 टेस्ट नाम देता है, पहले तो फिजिकल हो गया PFT, फिर उसके उससे 81 टेस्ट नाम देता है, दूसरा 82 टेस्ट नाम देता है, ठीक है। अब भाई चीज़ें बिल्कुल आसान है। अब आज की डेट में 81 टेस्ट हट गया है, ऐसा नहीं है कि 81 टेस्ट में कैंडिडेट बाहर नहीं होते थे, 81 टेस्ट में भी कैंडिडेट बाहर होते थे, और हमें रीजन भी नहीं पता चलता था कि किस रीजन की वजह से ये कैंडिडेट बाहर होते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी बार के लिए हटाया गया, हमेशा के लिए नहीं हटाया गया। अभी चार दिनों पहले रिसेंटली नोटिफिकेशन आया, आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा, तो उसमें भाई कहीं पर भी मैंशन नहीं कर रखा कि हाँ भैया 81 टेस्ट नहीं होगा, उसमें मैंशन कर रखा है फेस सेकंड एग्ज़ाम के बारे में, जहाँ पे आपका 81 टेस्ट भी अच्छे से मेंशन कर रखा है, बताया गया है। दूसरी बात, यह तो मतलब सिंपल सी बात है, हटाया गया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए फ़ायदा है, ठीक है। वो भाई टेस्ट होता था, उसमें 8-10 लड़के बाहर हो जाते थे 100 में लगभग, अब 5 से 10 तो बाहर हो ही जाते थे, उनको रीजन भी नहीं पता चलता था किस वजह से बाहर हो गए, अच्छी बात है, समझ रहे हो। दूसरी बात, अब GD वाले कैंडिडेट आ जाते हैं, भैया अब दो ही टास्क बचे हैं, पहला फिजिकल, दूसरा GD हार्ड होगा क्या यार। मैं एक बात बताता हूँ, देखो GD में ना मार्क्स मिलते हैं, ना उसमें कुछ पोस्चर ढंग से देखा जाता है कि भाई नहीं ये बंदा अच्छे से बैठ लेता, भाई ये कोट पैंट पहन क्या है इसको हम लेंगे, ये तो गरीब है, ये केवल टी शर्ट पहन क्या है इसको हम नहीं लेंगे, मतलब वहाँ पे भाई इसके बाल बड़े हैं भाई, इसके तो बाल ही नहीं है, या फिर ये हैंड पोस्चर नहीं करता, इसको नहीं लेंगे भाई, इसको लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, समझ रहे हो आप। टॉपिक होगा ना एक, उसके बारे में 2-4-5 पॉइंट बोल सकते हो ना, दैट्स इनफ। एंड डेफिनेटली एज यू ऑल अप नो ब्रदर, यू शुड क्लियर द फेस सेकेंड एग्ज़ाम, आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, केवल पेपर क्लियर करना है, GD क्लियर करना है, SRT तो हटा दो, 30 मिनट 45 क्वेश्चन करने थे, फिल करने होते थे, और कुछ सिचुएशन एक्सेंट, अब SRT बोल जाओ, अगला इंटेक है उसमें SRT है, अभी तो है, बात का मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन अभी रिसेंटली है। अब SRT के बाद GD आ जाता है, देखो GD के लिए फिर से मैं तो वही बोल, ठीक है। तो पहले तो मैं बिना आपको डराए हुए चीज़ें बता दूं, GD फिर से वही सेम टू सेम होगा, वैसे ही होगा, मेरा कैंडिडेट आउट किए जाएंगे क्या GD में, कुछ नहीं आउट किए जाएंगे, सारे के सारे जो मेन कैंडिडेट होंगे फेस सेकेंड एग्ज़ाम पे आउट किए जाएंगे। आज मैं कह रहा हूँ लगभग GD में एवरेज, ठीक है, 4 बार GD दिया है, और हमेशा कभी भी GD का वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश 4 वर्ड अभी 4 दिनों पहले सीख गए भाई, ठीक है, जब से दूसरे कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी पे लगे, नहीं तो पहले अपन भी बैड नहीं आता था, समझे। हाँ, तो बस सवाल प्रैक्टिस कर पेपर निकल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ कि अरे भैया अब तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लोगे तो चल जाएगा, हम बिहार से आते हैं भैया, हमारा कैसे पॉसिबल होगा। तो वो एक कैंडिडेट को डराने, वो अगर सब लोग आपको मोटिवेट करें, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट इजली ब्रदर, ठीक है। और GD के आप टॉपिक्स करते रहो, GD के टॉपिक्स करते रहो, आई प्रॉमिस डेफिनेटली मैं आपको लगभग, देखो मैं बता रहा हूँ आपका 1 तारीख से GD स्टार्ट है, ठीक है, और मैं लगभग 10-10 टॉपिक्स के 3 पार्ट डिवाइड करके एक विद अ बेस्ट कंटेंट आपको रिवाइज करा दूंगा एक बार पेपर से पहले, जिसमें से 20 टॉपिक ऐसे दूंगा जो पक्के आएंगे, मुझे मतलब गट्स फीलिंग रहती कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, तो 20 में से लगभग मतलब 20 टॉपिक दूंगा तो लगभग 12-13 आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। मैं GD पे ये जो हुआ आज के चेंजमेंट से क्या GD में कुछ बदलाव हो सकता है, कोई भी बदलाव नहीं होगा, जितने सिलेक्शन का रेशियो था वही सिलेक्शन का रेशियो रहेगा। अब आपको लग रहा है SRT में बहुत बड़ा वो हो जाता है, SRT से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, 100 में से 2-4-5 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है उन सभी को मेरिट में देखा जाएगा। और रहा GD का, तो GD का वही रेशियो रहेगा भाई मेरे, ठीक है, डरना नहीं है कि हाँ। बाकी तो बस एक ही चीज़ है, डेली टेलीग्राम पे एक सीरीज आप सभी के लिए चला रहा हूँ,
फिर सेकंड एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे अभी तक हमने 35 से 40 टॉपिक जीडी के कंप्लीट कर लिए। वैसे तो हमने एसआरटी की भी तैयारी कंप्लीट कर ली थी, पीएफटी आपने कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। तो बस टाइमिंग मुझे रनिंग का कमेंट में कमेंट करके बता देना कि भैया अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, 8 मिनट पहुँचा है भैया, पेपर तक पहुँचते पहुँचते 7:40 आ पाएगा, 20 सेकंड कम कर पाएंगे। थोड़ा मेहनत कर लें भाई मेरे, ठीक है। जिनका 7 मिनट से कम है तो उनको तो फिर पीएफटी कोई टेंशन ही ना, अब तो एक टास्क क्लियर है, दूसरा एयरफोर्स ने हटा दिया, तीसरा टॉपिक कंप्लीट करते रहो, दिन में दो तीन घंटे भी समय दोगे ना तो डेली के दो तीन टॉपिक कंप्लीट कर लो, जाएगा कहाँ भाई मेरे। भैया डिस्कस कहाँ करें, कॉन्फिडेंस कहाँ करें, कॉन्फिडेंस यार 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, अगर कोई गर्ल्स वीडियो देख रहे हैं, आपकी सिस्टर ने उन्होंने क्रैक किया है आपका, और कोई है खास तो उनको डेफिनेटली बताओ कि 4 लोगों का ग्रुप बनाओ जिनमें जिनसे वो लोग एक कंफर्टेबल हों पहले, ठीक है। और उसके अननोन हो भाई, आप केवल मेरा वीडियो देख रहे हो, नहीं जानते किसी को, किसी न किसी टेलीग्राम चैनल पे हो गए, 4 लड़के केवल मिलाओ और जिनको तुम जानते हो, कोशिश ऐसे करो 4 कैंडिडेट कि भैया अबे आए नहीं यार जीडी पे, जल्दी आओ, खाना बाद में खाओ यार, पहले टॉपिक कंप्लीट हुई, ठीक है। ऐसी वाली जब कन्वर्सेशन डेफिनेटली करेंगे तो फिर कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि अब ऐसे सोचोगे ग्रुप बना ले, हम ग्रुप बनाने के लिए लिंक बना के भाई दे सकते हैं, कुछ मिनट में होंगे 1000 लड़के जुड़ जाएंगे, चलता रहेगा दिन भर जीडी, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। 4 से 5 कैंडिडेट का ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ और पॉइंट्स और टॉपिक को डिस्कस करो जिनको जानते हो, ठीक है। कि कुछ गलती हो जाए तो आप इंग्लिश में, अब जानते ही नहीं बोलने में शर्म लग रही है भाई, तो ऐसी चीज़ें से दूर रहो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, डेफिनेटली टेलीग्राम वाली सीरीज को फॉलो करो, नहीं अभी तक किया तो डेफर्स से भी कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली चीज़ें आसान है तो डरिएगा मत, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।